हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स को अपने देखे कि कौम के अजसाम ज़्यादा हो गए हैं तो दलील दे कि इसके अपने अहल बैत ज़्यादा हो गया, और अगर देखे कि इसके अज़ा कट गए हैं या जिस्म से गिर पड़े हैं तो दलील दे कि सफ़र करेगा, इसके अपने परेशान हो गए, और अगर देखे कि इसका अपना जिस्म कटा है या परेशान हुआ है तो दलील है कि अपने अहल बैत और हुएशो को शहरों में परेशान करेगा। हज़रत करमानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर कोई देखे कि इसके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा कट गया है तो दलील है कि इसको खैर और नफ़ा पहुँचेगा, और अगर देखे कि इसका वजू जिस्म से जुदा हो गया है तो दलील है कि इसके माल से कोई आदमी ज़ोर से कुछ लेगा, और अगर देखे कि अपने जिस्म में से गोश्त कट कर किसी मुर्ग के आगे डालता है तो दलील है कि अपने माल में से किसी को कुछ बख्शेगा। हज़रत जबर मगरिबी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स देखे कि इसके जिस्म का कोई हिस्सा इससे बातें करता है तो दलील है कि हलकत में रिसवा होगा। फरमाने हक ताला है, और इसका तर्जुमा यह है, वो कहेंगे कि हमें इसी ने गोयाई दी है जिसने हर एक चीज़ को गोयाई अनियत की है, और अगर देखे कि इसके जिस्म का कोई हिस्सा किसी रास्ते पर जा रहा है तो दलील है कि ऐसा काम करेगा कि जिस पर भरोसा करेगा, और अगर देखे कि इसके जिस्म में से कुछ हिस्सा जुदा हो गया है तो दलील है कि इसके हुएश में से कोई शख्स सफ़र को जाएगा, और अगर देखे कि इसके अज़ा दर्द करते हैं तो दलील है कि बीमार होगा, और अगर देखे कि परिंदा इसके जिस्म से गोश्त का टुकड़ा ले गया है तो दलील है कि इसका माल ज़ोर से ले गए, और अगर देखे कि अपने गोश्त का टुकड़ा परिंदे के आगे डाला है तो दलील है कि अपने माल में से कुछ किसी को देगा। हज़रत जबर मगरिब रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स को अपने देखे कि इसके अज़ा में से कोई वजू तबाह हो गया है तो इसकी तबीर यह है कि वो राह रास्त पर नहीं रहा है। हज़रत फजील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या देखा है? मैंने अर्ज किया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से एक टुकड़ा काटा और मेरी गोद में रख दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी गोद में बढ़ेगा, यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत फजील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश में बड़े हुए हैं।